नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सुमित्रा। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जो कि शायद आपको किसी ने नहीं दी होगी। ठीक है, YouTube पर बार बार के वीडियो आती है, लेकिन ज़्यादातर वीडियो कॉपी करके देते हैं और मैं प्रैक्टिकल आपको करके बताता हूँ सारी चीज़ें। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा, अगर किसी हीटर को आप टू फेस में चलाना चाहते हैं, अगर आपके घर पे टू फेस आ रहे हैं या हो सकता है खेतों वाली लाइन है, तो आपको बड़ी परेशानी होती है। ठीक है, अगर आप सिंगल फेस वाले को चलाते हैं तो वो उसकी स्प्रिंग बार बार जल जाएगी, थोड़ी थोड़ी देर में जल जाएगी। अगर आप अर्थिंग बना के चलाओगे तो ये कामयाब नहीं होगी, ये जलेगी नहीं इतनी अच्छी। तो इसी का सोल्यूशन मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, आप इसको टू फेस में आराम से चला सकते हैं। आपके घर में अगर तीन फेस आ रहे हैं तो उसमें से कोई दो फेस में आप तार लगा दो, दो तार इसके हीटर के और बढ़िया चलेगा। देखिए करना क्या है, वो मेन चीज़ ये है। देखिए दोस्तों, हमारे पास जो ये एलिमेंट होता है, देख सकते हैं ये एलिमेंट जो होता है ये 220 वोल्टेज का होता है। एक एलिमेंट चाहिए वो 1000 वाट का हो, 1500 का हो, 2000 का हो, वह दोस्तों 220 वोल्ट का ही होता है। लेकिन टू फेस में हमको 220 प्लस 440 वोल्टेज मिलते हैं, इसलिए हमारा एक एलिमेंट हम लगाते हैं तो जल जाता है। तो इसमें हम दो एलिमेंट लगाएंगे। अब दो एलिमेंट कैसे लगाते हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो पूरा वीडियो के साथ बने रहिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए, कंप्लीटली आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, एक एलिमेंट तो हमारे हीटर में पहले मौजूद था जो कि लगा हुआ था, यह भी ओके है। ओके, तो हम सिंगल में चलाना चाहें तो एक का यूज करें, नए का करें पुराने का करें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप टू फेस में चलाना चाहें तो आपको दो लगानी पड़ेगी। अब दो कैसे लगाने हैं, सबसे पहले आप नया या पुराने में से कोई एक एलिमेंट उठा लें और ठीक है, उसको किस तरह से जोड़ना है आप ध्यानपूर्वक देखें। दोस्तों, उसके पेच को यहाँ पे डाल लें, जो यहाँ पे दो ये जो होल होते हैं दो, यहाँ पे आपको जो है डाल लेना है इस तरह से। ठीक है, इसी एक होल के अंदर, और इसको बाद में टाइट आप कर सकते हो। तो ये जो स्प्रिंग है आप बधा के लगाते थे, इसको बधाना नहीं है, आपको आधे हीटर के अंदर ही इसको लगाना है। ठीक है, इसको बिना बधाए ही लगा देना है, थोड़ा सा टाइट खींचना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि ये ऊपर आ सकती है, इसलिए थोड़ा सा आप खींच सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं बधाना है इस तरह से। तो ये आधे में आ जाना चाहिए, हीटर के आधे एरिए में आ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसका आधा होता है, तो लगभग यहाँ पर ये आ चुका है। अब इसका जो हम ये वाला जो पेच है यहाँ से खोल लेते हैं दूसरी साइड से, तो आधे में हमने एक लगा दी है। अब जो हमारी स्प्रिंग जो यहाँ पे बची हुई है देख सकते हैं, जो हमने पुरानी निकाली थी, आप नई लगाना चाहें दोनों नई भी लगा सकते हैं, दोनों पुराने लगाना चाहिए पुरानी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस स्प्रिंग को जो हमने बधा रखी है जो पुरानी वाली, इसको हम ऐसे टाइट कर लेंगे। ठीक है, इसको पूरी को हम ऐसे छोटा कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों मैंने सारी को इसको छोटी कर लिया है। ठीक है, जैसे पहले नई आती इस तरह से कर लिया है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम इस पर एक जॉइंट बना देते हैं इसका, इसके साथ, और इसको आपको टाइट जोड़ना होगा कि ये खुले नहीं। ओके, और इसको टाइट लगाने से ना यहाँ पे स्पार्किंग होगी। ठीक है, तो ये फ़ायदा आपको हो जाएगा। तो आप जितना टाइट इसको लगा सकते हैं लगाइएगा। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो है इस स्प्रिंग को आपको जो है इंस्टॉल जो है कर लेना है इस तरह से। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो इसको क्या कर सकते हैं, आप काट सकते हैं। तो मैं यहाँ से, ये ज़्यादा लंबा हो गया था इसलिए मैं इसको जो है काट लेता हूँ। काटने के बाद दोस्तों इस एलिमेंट को जो है मैं सेम तरीके से, ठीक है, इसमें एक घुंडी बना दूंगा
इस तरह से गोल घुंडी, या इस पे पेज के ऊपर आप इसको लपेट सकते हैं, सबसे अच्छा रहेगा इस तरह से इसको लपेट देना है, इस तरह से लपेट के इसको इसमें डाल देना है। और जब ये इधर आ जाए इसको हम जो है दोस्तों कस लेंगे। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये पेज जितने यहाँ से टाइट रहेंगे उतना ही हीटर आपका ज़्यादा चलेगा और जॉइंट जलने के चांसेस उतने ज़्यादा कम रहेंगे, नहीं तो यहाँ पे लूज रह जाते हैं तो स्पार्किंग होती है और स्पार्किंग होने के बाद ये जो है फिर जलने लगते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं आपको दोबारा से एक बार समझा देता हूँ, यह जो हमने एक एलिमेंट लगाया ये 220 वोल्टेज का हो गया और इधर का जो है ये 220 वोल्टेज का हो गया। अब हमारा हीटर जो टू फेस का हो गया, अब 220 अगर आप देंगे ना तो बहुत ही धीमा चलेगा, बहुत ज़्यादा धीमा। ओके, अगर आप 440 देंगे यानी कि इसमें टू फेस देंगे, यहाँ पर भी फेस देंगे और यहाँ पर भी फेस देंगे, तो जितना 220 में चलता है ना पूरा हीटर इतना चलेगा, फुल्ली चलेगा। और अगर लाइट ऊपर नीचे भी हुई ना, वोल्टेज कम ज़्यादा भी होती कई बार, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कभी नहीं जलेगा ज़िंदगी में। तो ये जो तरीका है ये सबसे बेस्ट तरीका है। ओके, तो बाकी फालतू की वीडियो मत देखिए और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं जो कि पूरी तरह से प्रैक्टिकली होती है। अब हम इसको आपको चला के दिखा देते हैं। दोस्तों मैं इसमें जो है तार जोड़ के दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे जो है इसमें ये जो तार है वो यहाँ पे आपको अभी टेम्परेरी जोड़ के दिखा रहा हूँ। ओके, और मैं इसको एक बार 220 वोल्टेज आपको देख के इसमें जो है दिखाता हूँ कि 220 में कितना चलता है। ओके दोस्तों, मैं इसमें 220 वोल्टेज दे रहा हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है स्पार्किंग हो रही है। ओके, और यहाँ पर मैंने इसमें 220 वोल्टेज दे दिया, अभी हीट होना जो है स्टार्ट हो रहा है। तो 220 में ये मेरे को जो है अभी देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें कि अभी थोड़ी थोड़ी हीटिंग इसमें फील हो रही है। तो ये जो है पूरी तरह से जो है जितनी मतलब चलना चाहिए वो नहीं चल पाएगा, बस आपको इसमें से हीटिंग सी शो होगी थोड़ी थोड़ी। दोस्तों ये हीटर जो है अब 440 वोल्टेज का बन चुका है, यानी कि टू फेस का बन चुका है, और हमने जो इसके अंदर दो एलिमेंट लगाए हैं इसलिए इसके जो हैं ये सीरीज कनेक्शन इसको बोल सकते हैं, सीरीज में हमने लगा दिया, इसलिए ये 440 वोल्टेज पे ही आपको दिखाई देगा। अगर आप इसमें 220 वोल्ट देंगे तो 220 पे ये हीट जो है नहीं होगा, तो ये टू फेस के लिए हमने बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, 440 वोल्ट आप देंगे तो 220 इस साइड से जाएगा, 220 उस साइड से जाएगा, और दोनों ही एलिमेंट को जो हमने दो एलिमेंट लगाए हैं दोनों को 220 मिलेंगे और वो पूरी तरह से चसेंगे। तो देखिए मैंने 220 एक में दिया है अभी, तो एक यहाँ पे जल गया है, लेकिन दोनों में दे रहे हैं तो दोनों नहीं जल रहा है। और मेरे पास घर अभी मैं घर में ही चेक करके दिखा रहा हूँ, तो मेरे पास 220 वोल्टेज ही है, तो यहाँ पर देखिए 220 में सिर्फ एक ही यहाँ पर हम जला के दिखा सकते हैं आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पे 440 देंगे तो 220 लगाने से नहीं जलेगा, ये थोड़ा हीट ज़रूर होगा, लेकिन हम इसमें 440 देते हैं, जैसे हमारे खेतों की लाइनें हैं वहाँ से थ्री फेस में से कोई दो फेस दे सकते हैं, तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपको खेतों पे खेतों वाली लाइन है आपके वहाँ पे, ठीक है, आपके गाँव में जो लाइन आती है ज़्यादातर देखी जाती है खेतों से आती है, और वहाँ पर थ्री फेस आता है, सिंगल फेस वहाँ पर नहीं मिलता है आपको, और इसलिए आपको जो है वहाँ पे बड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, अर्थ नहीं होता है। तो